हाथरस की उस मासूम बच्ची ने क्या बिगाड़ा था उन दरिंदों का जो बलि चढ़ गई हैवानियत की। उन वहसी नज़रों से वो पर्दा बेहिसाब करती है। वो मुसलमान नहीं है फिर भी हिजाब करती है। तुम्हारी नज़र दूसरों की बहन बेटियों पर रहती है और अगर खुद की बहन बेटियों को कोई देख ले तो खून खौल उठता है। सोचो क्या बीती होगी उस बाप पे जिसने सालों इतने प्यार से पाला था उस मासूम को। और ये कोई एक घटना नहीं है, ना जाने रोज कितनी बेटियां इन दरिंदों का शिकार बनती होंगी। पिछले कुछ दिनों में यूपी में 10 से ज्यादा रेप केस रजिस्टर हुए हैं, राजस्थान में 20 से ज्यादा केसेस आए हैं। वो लोग जो ये कहते हैं रेप कपड़ों की वजह से होता है, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ रेप 3 साल की बच्ची का भी हुआ है। कपड़े घटिया नहीं, सोच घटिया है। पाबंदियाँ लड़कियों पर नहीं लड़कों पर लगाओ। सभ्यता लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी सिखाओ। इन कुछ दरिंदों की खातिर लोग जेंडर को ब्लेम करते हैं। क्या यही देखने के लिए भगत गुरु सुखदेव फांसी पर चढ़ गए थे? मोमबत्तियाँ जलाना छोड़ो, किसी दिन इन दरिंदों को जलाकर देखो। जिस देश में गालियां माँ और बहनों को दी जाती हो वहाँ कैसे बेटियाँ बचेंगी और पढ़ेंगी? अब इंसाफ ये इंसान नहीं खुद भगवान करेगा। इंसान तो हैवान बन चुका है, उम्मीद तो बस अब खुदा से है। टूटी गर्दन कटी जुबान लेकर आए हूँ भगवान, टूटी गर्दन कटी जुबान लेकर आए हूँ भगवान। क्यों चुप हो है मालिक, क्यों बनाए ऐसे इंसान? क्या नहीं दिखा तुमको हैवानियत और हैवान? रख लो पांव तले अपने, जाना नहीं उस जहान। टूटी गर्दन कटी जुबान लेकर आए हूँ भगवान। वक्त लगता है रात ढलने में, तब जाकर सूरज निकलता है। वक्त पर मिलता नहीं न्याय, इसीलिए जुर्म पनपता है।